रजिस्टर्ड है, नंबर डालो, बता दो हम जा, बता दो नंबर डाल लो उसमें, गजेंद्र सिंह चौहान, गजेंद्र नाम बता, हम जानते हैं ना आपको, तो पठान पट्टी वालों को जानते हैं, इसलिए जानते हैं आपको भी। नंबर UP 82 यार, कहाँ पे हो तुम? सालगढ़ गए सर जी, पट्टी वाले प्रधान जी उनके हमारे घर गए आप भी सर, गजेंद्र भी है। क्या हुआ अभी, क्या हुआ, आप कहाँ है? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और ये देखिए हमारे गुड मॉर्निंग पीछे का नज़ारा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम अपने यूपी आ चुके हैं, अपने होम टाउन आ चुके हैं, और जब हम होम टाउन आते हैं तो हमारे डैडी हमारी क्लास लगा लेते हैं, तो हमें सुबह 5 बजे उठा के खड़ा कर दिया है और हमें अब यहाँ वॉक के लिए लेके आए हैं। भट्टा हमारा कहाँ है दिख नहीं रहा है, पर हमें बहुत दूर रोका हुआ है, तो यहाँ से हम वॉक करके वहां तक जाएंगे। और ये मॉर्निंग व्यू है, थोड़ा थोड़ा सनलाइट आ रही है, जो कि शहर वाले बहुत मुश्किल से देख पाते हैं, तो इसलिए हम दिखा रहे हैं। बहुत ठंडी है भैया, बहुत ठंडी है। अपना पुराना तरीका दांतून करने का, जय मंजन है हमारा पुरुष। मम्मी बताओ इसके बारे में कुछ। इसके बारे में, यहाँ एक बाबा रहते थे, तो यहाँ पे ना अंदर एक गुफा है, गुफा में एक एक गुफा में ना बहुत नीचे जो बहुत पहले पहले पुराने जमाने के जेवरात रहते थे, तो उन बाबा को मार दिया गया और गुफा तब से बंद चल रही है। ठीक है, ये यहाँ का रहस्य है, यहाँ चोर रहने लगे, बाबा जी की दरबार है, बाबा जी का चोर रहने लगे यहाँ पर, चोर आ तुम कहाँ आ रहे बंद कर दे इसको, ये देखो ये रास्ता जाता है यहाँ से, गुफा जाती है यहाँ से, कुछ गुफा थी बहुत अंदर, चलो चलो। और जिसने कभी कुआं नहीं देखा उसके लिए कुआं, वाह, पर ज्यादा गहरा नहीं है, बंद है, बट ऐसे होते थे। चलिए, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माता, इसका मतलब बता दीजिए, तो हर को होई भगवान रामचंद्र जी सुबह उठते थे, अपने माता पिता के चरण छूते थे और अपने गुरु के, सबसे पहले अपने गुरु के चरण छूते थे। अब कल हो गया, अब सुबह उठ के हम छुआ करेंगे, नित्य का नियम करते थे। ये बाज है, चिड़िया मार रहा हुआ, इसको बच्चे अंडे अंडे, गुरु ग्रह पर पढ़ने गए रघुराई, अल्पकाल विद्या समपाई, सारी विद्या भगवान राम ने प्राप्त कर ली। ब्लॉक चल रहा है, फिर भी आ सकती है।
नहीं पता है ये क्या है। ज्वार, बाजरा, बाजरा। ये हमारे पास का व्यू, देखो कितना प्यारा व्यू है। गुड मॉर्निंग, अगर नाम का तो ऐसे हो। और कहते हैं कि उगते हुए सूरज जो लाल लाल होता है उसको प्रणाम करना चाहिए। करिए प्रणाम। सूर्याय नमः। हाँ आपको तो बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं। अच्छा सही बताओ, आज कौन, मतलब आज कितना टाइम हो गया कि आपने सूरज देखा है? नहीं देखते हैं तो रो? नहीं ये वाला देखते हैं। कितने बजे? 7 बजे। 7 बजे? यस 7 बजे ही निकलता है क्या? हाँ। देखो गाइस, आपको कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, मैं दिखाती हूँ। नेचर जिंदा है, ये अभी हमारी तरफ तो नेचर जिंदा है, वो भी कुछ टाइम के लिए। कुछ लोग जानते होंगे इसको क्या बोलते हैं, इसको लीलगा बोलते हैं, जो गाय की तरह होता है, कुछ कुछ हिरन का है ना, हिरन की या शेर भी रहता है। ये शेर का इलाका है और शेर वहां बैठा है। ये देखिए हमारा छोटा सा पहाड़ और उसके पहाड़ से व्यू। चलो चलो चलो, ये देखो पापा ने आवाज लगाई और कितनी तेज भाग के गया। और ये सनराइजिंग का व्यू। कुछ अपने गांव की कुछ बातें बता। वैसे बेसिकली हमारी मम्मी का ही गांव है और यहाँ से हमारी मम्मी के खेत स्टार्ट हो जाएंगे। तो बताइए मम्मी कुछ पुरानी बात, कुछ गांव की बात, कि सुबह उठा जाता था क्या, कैसे? हाँ सुबह मम्मी 4 बजे उठा देती थी हमें। हाँ। और कहती थी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठा जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करी जाती है। तो हम कार्तिक नहाते थे, अभी कार्तिक का महीना चल रहा है, कार्तिक नहाते थे हम इतनी सर्दियों में। हाँ सुबह, और पता है वो भी बगिया में कुआ पे। अच्छा। 1 से 8 पर कम वो इनका प्रोसेस होता था कि भाई कुएं से पानी निकाल के ही ताजे पानी से नहाना है। कुएं का पानी ठंडा होता था, गर्म में एकदम निकलता था पानी, ताजा ताजा एकदम, धुआं धुआं निकलता था पानी, धुआं। हाँ और पता है फिर एक चौपाई जानते थे बस, मंगल भवन मंगलहारी द्रवोस दशरथ अजर बिहारी, जय चौपाई करके 1 से 8 पर कम्मा देती थी सुबह सुबह। कहाँ की? बगिया में, महाराज मंदिर, महाराज जी की। अच्छा। हाँ। बोले बाबा की। तो हमारी मम्मी और मम्मी के
दादाजी और उनके दादाजी वो सब बहुत तपस्वी पूजा पाठ करने वाले। हमारी मम्मी हमें 4 बजे उठाती थी और कहती थी जाओ बाग में। बाबा हमें आसन पे बैठे मिलते थे, कुश का आसन और कुछ और माला हाथ में लिए और आंखें बंद और भजन चल रहा है उनका। आजकल ऐसी चीज ऐसे सीन नहीं देखने को मिलते हैं, बाबा के नाम पे कुछ और ही हो गया। लकड़ी की वो चप्पल पहनते थे लकड़ी की, उनकी जाने आने की अलग थी और रोज की अलग थी लकड़ी की चप्पल। बहुत नियम हुआ करते, गले में कंठी थी मोटी सी, बहुत पूजा करते थे, बहुत माला तो हर टाइम हाथ में रहती थी हर टाइम। और जब हम जाते थे तो हमें बैठे ही मिलते थे पूजा में। कितने बजे हम जा रहे हैं, 4 बजे जा रहे हैं तो पूजा में बैठे मिल रहे हैं और 6 बजे जा रहे हैं तो भी पूजा में बैठे मिल रहे हैं। और जो आपकी दादी थी वो हमने सुना है खाना खाती थी तो सारे वो चिड़िया, हाँ चिड़िया कुत्ता उन्हें सब घेर लेते थे और उनसे रोटी छीनते थे और सबको खिलाती थी और उनकी थाली के चारों तरफ सारी चिड़िया सारे कुत्ते और जितने जानवर होते हैं। पता है एक तो कुत्ता ऐसा था कि जब हमारी दादी खत्म हुई तो उनके उनके सबके साथ गया और वापस नहीं आया, और वापस नहीं आया लौट के। देखिए तो हमें भी अपनी प्रकृति का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि वो भी हमारा रखते हैं, यही मैसेज है। और हमारे बाबा कभी दवा नहीं खाते थे, ये जो ये है जी इसके 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 जो फूल आते हैं बुखार में दवा बनाते थे। किसके? ये अच्छा, ये जो है इस पे फूल आते हैं, इस पे फूल आते हैं, इसके फूल की दवा बनाते थे। हम तो इसे जहर समझते थे, फूल को बहुत सारी जड़ी बूटियां खाते थे। निकला है, अरे मम्मी पहले की तो बात ही अलग थी, कभी दवा नहीं खाई होने। हम कंपेयर नहीं कर सकते पुराने जमाने से, पर कुछ कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। पता है हम 30-35 लड़की थी बगिया में जाते थे जब नहाते थे सुबह सुबह, इतना अच्छा लगता था कुछ। हम सब छोटे थे तो हमें सब नहलाते थे पानी भर भर के, बाल्टी भर भर के, और कभी ना भरवा हुआ। ये देखो भाई यहाँ तो कोई जरूरत ही नहीं, ये पूरा तैयार हो गया हमारा। देखो कितना प्यारा व्यू है, और पापा ने नेचर को बचाने के लिए हमारे लिए थोड़ा सा पार्क बना रखा। क्या कह रहे हैं आप लोगों के गार्डन में आप लोग जा सकते हैं, पर मन नहीं हो रहा जाने का कि बिगड़ ना जाए कुछ। कितने प्यारे फ्लावर हैं पर्पल कलर के, जाएंगे किधर से? अच्छा ये हमारे रेबू, रेबू घूमो खाओ मस्ती करो। सुबह सुबह नेचर बहुत ठंडा लग रहा है, कहते हैं पैरों को ऑक्सीजन मिलती है ऐसे घास में चलने से। और यहाँ देखो ओ सोई हुई है, आपका ही पार्क है, खाओ पियो मस्ती करो। अब खा रहा है, ये काला है ये मम्मी का मॉर्निंग रूटीन व्यायाम, और हमारा मॉर्निंग रूटीन हमारी वर्षा का मॉर्निंग रूटीन चाय। क्या बोलना चाहेंगे आप, कैसा लग रहा है? बस मन कर रहा है चाय पीने, चाय पीने का। कुछ
नेचर कुछ यहाँ के बारे में, कुछ नेचर के बारे में तो मैं कुछ जानती नहीं ज्यादा, वो तो आपने सारा कैप्चर खुद ही किया है, मुझे पता है। नहीं नहीं आपको फील क्या हो रहा है? फील बहुत अच्छा फील होता है यहाँ के, एकदम शहर में आपको ये चीज नहीं मिलेगी, आप उठोगे और अपना खाओ पियो मस्त आराम से एंजॉय करो नेचर को। जी जब मम्मी वो उठाती थी और कहती थी जाओ बाबा है बाग में, और फिर पके पके आम चूते थे और इतने आम गिरते थे कि भैया पूरे में आम ही आम, पूरे बाग में आम ही आम हो जाते थे और हम सब बीन बीन के थक जाते थे हम सब बहनें मम्मी पापा सब बाग में होते थे 4 बजे क्योंकि पहले सब हर चीज की एक वो होती थी, बीमार भी कम पड़ते थे क्योंकि वो नेचर में रहते थे। हाँ। आप सुबह उठो सब कुछ बंद, चाय पियो बैठो उसी में, सब कुछ एक्सरसाइज कर लो, यहाँ देखो इंसान टेंशन। हाँ मेरा मानना है कि हर किसी को अपना एक ऐसा फार्म हाउस बनाना चाहिए जहाँ आसपास ग्रीनरी हो, वो अपना थोड़ा सा जीना जी पाए अपना थोड़ा। हाँ और देखो हमने अभी भी चूल्हा रखा हुआ है, लकड़ी कंडे सब कुछ है हमारे पास। क्या कह रही हो मम्मी? ये कछु नहीं है वाओ, सुनो तो अंदर अभी से उड़ गई है, ऊपर से नहीं है अंदर से, अंदर से। हाँ देखो हम दिखाते हैं, रुक जा हम दिखाते हैं। अच्छा 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 इसमें अच्छा अच्छा भाई कैसा घर बनाते हैं लोग। ये देखिए ऊपर से सब कवर है बंद है और यहाँ से ये अंडे हैं और हम इसे नहीं छेड़ रहे हैं क्योंकि कहीं अंडे वंडे गिर ना जाए। और ये देखिए इतनी प्यारी सुबह और मॉर्निंग में ये ब्रश, मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें अपना गांव याद आ गया, अपना घर याद आ गया। तो तुम तो यहाँ से थोड़ी दूर पे घर है, तो हम अपना घर ही याद रखते। हमें भी नानी के घर की बहुत याद आती है, पुराना घर कच्चा मकान, सुबह सुबह हलवा बनता था सूजी का, चाय लेके बाग में जाते थे, सुबह सुबह चाय पीने का मजा ही अलग है, बाग में जाते थे वहाँ चाय पीते थे, इतना मजा आता। हमने हर तरीके की लाइफ जी है ना, गांव में सुबह चूल्हा लग जाता है 5 बजे भाई साहब। असली ठंडों में चाय पीने का मजा सिर्फ गांव में ज्यादा आता है, शहर में क्या है बनाओ अपने रूम में बैठो और पियो। हाँ यार और सुबह सुबह गांव में चाय पीने का मजा ये लगा है क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कितना अच्छा लगता है यार। एकदम बढ़िया, नानी नानी के घर की याद आ रही है जो पहले पुरानी थी ना, नानी बेड पे बैठ के आराम से रजाई के अंदर चाय पीती थी, लो सब लोग सबकी एक एक टोस्ट सबके पास, सब चाय लेके बैठे थे, चाय निकलती थी, मजा आते थे, बाजार कर ले आते थे सारा सामान भर के, एक हफ्ते बच्चे आए भाई कमले से और बस हम एक हफ्ते के लिए आते थे, उसमें हम इतना कुछ मस्ती करके जाते थे, नानी खिलाती रहती थी हर टाइम, खिलाती रहती थी पूरे टाइम, और नाना हमारे चिल्लाते थे बहुत। गांव के लोग क्या कहते थे, अरे भाई ये तो शहर के बच्चे ले, ये तो लगता ही नहीं है कि उनके बच्चे शहर के बच्चे पापा सुन रहे कम से बच्ची है यार फिर निकल रही है। कोयल कोयल किसी ने देखे, कोयल दिखाती हूँ, कोयल देखो वो घूम रही है, देखो भाई अदरक को कितने बुरे तरीके से कूटा गया, उसके बाद इसमें पत्ती डाली गई है, अच्छी चाय बनाने के लिए कूटना पड़ता है अदरक को, उसी प्रकार अच्छा इंसान बनाने के लिए कूटना पड़ता है उसको, जब तक अच्छे से घिसोगे नहीं जब तक उसमें से रस नहीं निकलेगा, रस नहीं निकलेगा तो चाय में घुलेगा नहीं, घुलेगा नहीं तो मजा नहीं आएगा। चाय इसी प्रकार हर आदमी को अच्छे से उसको मतलब मेहनत करानी चाहिए, कूटना चाहिए, सिखाना चाहिए ताकि वो आगे चल के उसे ज्यादा दिक्कत परेशानियां ना। अब वो पापा हमारे साथ यही कर रहे हैं, पापा हमें स्ट्रांग बना रहे हैं।
और लास्ट में चीनी डालकर हमारी चाय बन जाती है इस प्रकार। बहुत सारे लोग बनाते हैं, पहले पत्ती दूध, पहले पत्ती अदरक और पानी बनाते हैं, हमें ऐसी चाय में बिल्कुल मजा नहीं आता, हम पहले पानी और दूध खिलाते हैं और शुष्क चाय। और ये चाय कभी ट्राई करके देखना, हम ट्राई नहीं, जो भी पूछो सब यही कहते हैं कि हम बहुत मंगल पूछने को यही चाय अच्छी। मेरे हाथ की चाय अवार्ड अगर हम चाय का किसी को देना चाहेंगे तो हम वर्षा को देना चाहेंगे। और ही वो गार्डन की शान चीज अपनी जगह पे अच्छी लगती है। टॉर्चर करता है यार, वो भाग ही नहीं रहा ना, बाकी पैर में यही चाह रहा है वो भागे। चोट पहले की लगी है ऑगी, बहुत मारूंगी। खेल लो, चल बाहर आ, चल इसे बाहर कर दो, चाय दे ला जल्दी, चाय को बंद कर दो, चाय को बंद कर दो। ये हमारे भाई, कैसा लग रहा है आपको सुबह उठ के, क्या फील कर रहे हैं? फील हो रहा है, पर ये पहले और दूसरे दिन तक ही होता है ऐसा जिम करने वालों के साथ भी होता है, एक दो दिन बहुत मजे आते हैं फिर वही अपना सोना पसंद आता है, बेकार है दुनिया, सो बस। वाओ डन कर दिया, हमारे पूरे ब्लॉग की जंट कर दी, हकीकत है वो बता रहे हैं। सूरज के आगे खड़े होके ये बोल रहा है, पाप कर रहा है। पहले दूसरे दिन बड़ा अच्छा लगता है सुबह उठना, अरे सूरज वाओ, अरे अच्छा लगता है उठोगे तो अच्छा लगता है, इतने लोग उठ जाओगे ना फिर तुम दिन नहीं सोओगे, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी सोच है, ये तुम्हारी सोच है, तुम्हारा मन है ऐसा बोलते हैं। अगर किसी चीज को कंप्लीट करना है या हमें आदत बनानी है तो उसे हमें 21 दिन तक कंटिन्यू करना चाहिए बिना रुके, फिर 21 दिन बाद हमें उसकी आदत हो जाती है। 21 दिन अगर तुमने 21 दिन कर लिया, अगर तुमने कर लिया रेगुलर तो वो हमेशा तुम्हारी आदत रहेगा, पर 21 दिन नहीं कर पाए तो नहीं रहेगा। 21 दिन में हर एक चीज की आदत लग सकती है और छूट भी सकती है। और यहाँ हमारी चाय बन चुकी है और देखिए ये हमारी चाय कुल्लड़ में कन्वर्ट हो रही है, ओ माय गॉड, कन्वर्ट नहीं हो रही है, गिर रही है, नहीं पटक रही है। ये देखिए हमारी चाय वो भी कुल्लड़ में, इसे देख के बस सुकून मिलता है बेसिकली, जो गाँव आए हुए हैं और जो नहीं भी आए उनका भी मन कर रहा होगा यार हम भी इस चाय का हिस्सा होते। नहीं ये मैं कह सकती हूँ, अगर आप इस चाय को पियोगे ना तो आप कहोगे कि हाँ, अगर आप पीने वाले भी नहीं होगे चाय तो कहोगे कि हाँ है। तो पूजा भाभी चाय नहीं, हमने बहुत लोगों को देखा इसकी चाय पीती है, बहुत लोग को देखा, हमारी वो नहीं है गट्टू वट्टू, वो भी नहीं चाय पीती, पर उन्हें भी चाय चाहिए होती है, उन्हें हमारे ही अच्छी लगती है। वो कह रही कि हम कह रही हमने घर में बहुत बार ट्राई करी है, आपकी दीदी बिल्कुल आपकी जैसी कॉफी बनाती हूँ, पर दीदी बनती नहीं है। मम्मी दूसरा भी कहती चाय की सुना दीदी ने, कौन कौन मुझे तो दो बात अच्छी लगती है, तुम बनाती नहीं, ये नीचे जा रही है स्ट्रीट आएगा खा लेंगे। अब तुम चुप हो गए, लो पन्नो ले भैया, बंद कर दे देखा, ये दिखाई क्या है देखो इसने ये कैप्चर किया है, अब दिख रहा होगा, वाह
है, धुआं भी निकल रहा है इस चाय से। पहाड़ों वाली फीलिंग। यार इन लोगों का नाश्ता कितने बजे हो रहा है, टाइम बता ले जरा। इट्स 7 नो आई एम 7 ही बज रहे होंगे, 7 भी नहीं बज रहे होंगे शायद। और यह हमारा ब्रेड चाय, 7 बजे ये लोग ब्रेड चाय, और घर पे इनकी आँख भी नहीं खुलती सुसु करने के लिए भी। वैसे हम 11 बजे उठते हैं, 10-11 बजे। एक्चुअली हैबिट के ऊपर हो जाता है, जैसा सो गए वैसा उठो। तो अभी सुबह उठे तो अब सुबह भूख भी लगा। हमारे ब्रेड गायब कुछ गौरी हमारी शर्मीली हमारे ऑलराउंडर पापा, कोई काम बचा नहीं है जो इन्होंने किया ना हो। अभी हमारा छोटा सा खेत, उसमें मिर्ची हो रही पिछली बार वर्षा ने थोड़ी थोड़ी आपको दिखाई होंगी, अब ये इतनी बड़ी हो चुकी है और बहुत ज्यादा तादाद में है। जब देखो जरा गोगू इधर आओ, कम बेबी, ये क्या किया है? ये इन्होंने अपनी बदतमीजी दिखाई है यहाँ, और अभी भी ये बाज नहीं आ रहे हैं, इसलिए ना हमें गोदी में उठाना पड़ा है। इन्होंने सारे पेड़ तोड़ दिए, सारे पेड़ तोड़ दिए, दोबारा लग रहे हैं जो उधर लगाए जा रहे हैं। ये पापा के लिए इतना पागल है, और पापा इनसे कुछ कहते भी नहीं, इसलिए ये लड़ला ज्यादा है कि ये कोई काम बिगाड़ेगा तो पापा मारेंगे भी नहीं। जन्म जन्म तक साथ रहेंगे, ऐसे करो। कैसे करें हम, हाथ उठा कर वो, पर तुम्हें करना है ना। हां करना है, लेकिन तुम हमें बताओ कैसे कर रहे हो। मम्मी को पापा के साथ वीडियो बनानी है। दोबारा बताओ। मेरी सांसों में, मेरी सांसों में मेरे पिया, मैंने पिया को वचन है दिया, वचन है लिया, बचन दे दिया, जन्म जन्म तक साथ रहेंगे। चलो फिर, अच्छा देख रहे थे, जन्म जन्म, चलो आज ही बनाएंगे, ठीक है? ठीक है, बारी को बिठा लो, बारी बैठ राइड करवा, बैठ ना, बैठ जल्दी जल्दी, बैठ जल्दी, गौरी को राइड करवाएंगे, चलो गौरी बैठो। देखिए ये बहुत बढ़िया, रेडी रेडी, गौरी अच्छे से पकड़ लियो, रेडी, स्पीड 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 बढ़ाई जाए,
स्पीड बढ़ा गाड़ी को डर लग रहा है। स्पीड बढ़ा यार दिखा ले तो दांत उखाड़ रही है। तो मैं यार क्या है पूरी स्पीड तो बढ़ाई नहीं कुछ किया नहीं है ऐसे घुमा रुक जा बेटा गिराऊंगी मैं तुझे तू चलो मुझे घुमा दो ये शिवा मोटा का ये भारी है ना काकी टॉप 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 वो पापा गए यार। तो ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है लोगों का। वो ब्रेकफास्ट में है ये हेल्दी हेल्दी रमास एकदम हाँ जी हेल्दी है ये। तू बहुत नोटिस करता है हेल्दी नहीं मैंने बोला हेल्दी हेल्दी रमास है। सो गाइज हम लोगों ने कर लिया ब्रेकफास्ट और अब हम जा रहे हैं वापस घर क्योंकि पापा को किसी काम से बाहर जाना है। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना लाइक कर देना। ओके टाटा बाय बाय। आप सब लोग मेरी बेटी को लाइक कर दो। क्या जाएगा आपका क्या जाता है एक ऐसे अंगूठा तो दबाना होता और क्या करना होता ऐसे दबा दो तो आप जरूर कर देना क्योंकि मेरी मम्मा ने बोल दिया है। ओके बाय बाय।